अनुशिम, टेल मी क्या हुआ? शहजाद, शहजाद मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि अहमद ने कितनी घटिया हरकत की है। वो इतना थर्ड क्लास कैसे हो सकता है? तुमने, मैं, हम कैसे हिबा को बताएंगे? तुम्हें पता है उसने क्या किया? उसने मेरा बाजू पकड़ा जब मैं तुम कमरे में नहीं थे, तो वो यहाँ पर आया, उसने मेरा बाजू पकड़ा। अगर मैं शोर ना मचाती तो। उसने इतनी घटिया हरकत की, उसकी जुरत कैसे हुई? मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं शहजाद, प्लीज प्लीज तुम मत जाओ। अंकल को भेज दो वहां पे, पुलिस को बुला लो, तुम खुद मत जाओ प्लीज। शहजाद छोड़ दो मुझे, मैं खुद जाऊंगा और अभी जाऊंगा। नहीं शहजाद प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, मत जाओ। डोंट बी सेंटिमेंटल, इस मसले को हल करना होगा और मैं खुद करूंगा। नहीं शहजाद, ऐसे बेहिस बेहया और मकार लोगों से पाला पड़ा है कि जिन्हें ना अपनी इज्जत की परवाह ना किसी और की। आहिस्ता बेटा आहिस्ता, समझ में नहीं आ रहा मेरे अहमद, वो भी अनुशे के लिए। मेरा दिल दिमाग, जिनका जमीर और किरदार मर चुका हो ना डैड, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये बताओ हिबा का? मालूम नहीं, अनुशे बता रही थी कि सुबह से लेके उसे गया हुआ है। यार ला ये मेरे साथ क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है ये हमारे साथ? क्यों डैड, क्यों क्यों किया आपने ये फैसला? ना ही वो लड़का हिबा के काबिल था, ना ही वो औरत इस घर में आने के काबिल है। इतना ही फ्रॉड, झूठे और कैरेक्टरलेस फैमिली है वो। हो सकता है बेटा तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है हमारे साथ? सारी जिंदगी इज्जत की हिफाजत की मैंने, सिर्फ इज्जत ही चाहिए थी मुझे, लेकिन ये इस उम्र में क्या हो रहा है हमारे साथ? डैड प्लीज कॉल द पुलिस, अब मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। पुलिस को शामिल करने की जरूरत नहीं है बेटा, हमारी इज्जत बिल्कुल खाक में मिल जाएगी अगर लोगों को पता चला। अब थोड़ा हौसले से काम लो। नहीं होता मुझसे सबर। तो फिर ऐसा करो, मुझे शूट कर दो, जान से मार दो मुझे, फिर चले जाना अखबार वालों के पास, पुलिस वालों के पास। डैड प्लीज मुझे जाने दें। कहीं मैं जाऊंगी, रुको तुम यहीं, चलो मैं कमरे में जाओ। आई से गो योर रूम। हेलो मॉम, द प्लान वाज सक्सेसफुल, आपने जो कहा था जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। जानती हूँ तुम बहुत समझदार हो मॉम, आप भी ना। अब देखना मजा आएगा कैसे धक्के मारकर शहजाद दोनों पुप्पी और भतीजे को निकालेगा घर से। ओके मॉम, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, टेक केयर। हिबा जरा अहमद को कॉल करो, पता नहीं भाभी ने क्यों कॉल किया उसे। पप्पू मैं कब से कॉल कर रही हूँ, लेकिन ही मेरी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहा है। अहमद कहाँ थे आप? आपका फोन कहाँ है? मैं कब से कॉल कर रही हूँ। आंटी ने आपको क्यों बुलाया था? बताता हूँ सब। अहमद खैरियत तो है ना? अहमद बोले ना, हुआ क्या है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ मगर यहाँ नहीं। यहाँ क्यों नहीं? प्लीज पप्पो, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या हो गया अहमद, आपने पप्पो के सामने क्यों नहीं बताया, हुआ क्या है? अनुषे मुझे अपने साथ। अपने साथ क्या? जो कहने वाला मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, किस तरह बताऊं और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया गया है? क्या हुआ है? अनुषे ने मुझे अपने साथ रेमबा टेप में फंसाने की कोशिश की है। क्या? मगर अनुषे ऐसा क्यों करेगी? प्लीज मेरे यकीन करो, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। चुप हो जाए प्लीज, दिल पड़ जाएगा। चुप हो जाए अहमद, चुप।
प्लीज तुम तो मेरा भरोसा करो। ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन अनुषा मेरी भाभी है, उसने ऐसा क्यों किया? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों किया जा रहा है मेरे साथ। उसने तुम्हारी और मेरी इज्जत के साथ खेला है। कि वह मुझे बाकी किसी की परवाह नहीं, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। अल्लाह जानता है कितने गर्व से मैंने यह सारा रास्ता गुजारा, और अगर तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। तुम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं तुम पे यकीन नहीं करूंगी? हाँ, अगर अनुषा की जगह कोई भी लड़की होती तो मेरे दिल पे यह कयामत ना गुजरती जो भी गुजर रही है। देखो अहमद, इतना तो मुझे पता चल गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम छुपा क्यों रहे हो मुझसे? हमारे साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेल क्या हो गया है बाप? लेकिन अहमद, कॉल तो भाभी की आई थी ना? यही तो मैं समझ नहीं पा रहा, हुआ क्या है? तो क्या कहा उन्होंने? मैं मुसलसल कॉल कर रहा हूँ। वो लास्ट टाइम जब मेरी बात हुई उन्होंने मुझे कहा कि सीधा अनुषा के कमरे में आ जाओ, और उसके बाद से फोन मुसलसल बंद है। अल्लाह, ये अपने बेटे को इस तरह से तो तबाह नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि आंटी और अनुषा मिलकर? हाँ, वो चाहती है कि अहमद को इतना जलील करें कि इस घर से निकाल दे। जलील करना नहीं चाह रही, वो जलील कर चुकी है मुझे, और उसके बाद वहां जो कुछ हुआ शहजाद कभी मेरा यकीन नहीं करेगा। यकीन करना होगा, और क्यों नहीं करेंगे वो यकीन? मेरे बाप, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बिल्कुल नहीं। बात अब बहुत बिगड़ चुकी है, आमने सामने बात करोगे तो शायद कोई सूरत निकल आए। लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? हमने क्या बिगाड़ा है उनका? बाबा जी को बोलो ऐसा जादू करें कि उसे मार डाले और ऐसी जगह मरे जहां उसे पानी पीना भी नसीब ना हो। हिबा को लेने आया हूं मैं। किस मुंह से लेने आए तुम हिबा को? अरे तुम किसी रिश्ते का मतलब जानते हो? ना तुम्हें घर का मालूम है ना इज्जत का, चले जाओ यहाँ से। अगर तुमने कहा था तुम हर हालात में मेरा साथ दोगी तो साथ ही तो दे रही, इसलिए नहीं जा रही। झूठ बोल रही हो तुम, जो मर्जी समझ लो। जाओ, छोड़ के चले जाओ, मुझे नहीं आने दूंगी उसे मैं यहाँ पर, नहीं आने दूंगी मैं उसे यहाँ। हंस मत उस लड़की को, मैं उसे जान से मार दूंगी, उसे बेबस कर दूंगी। बानो, तुम उन बाबा जी को बोलो ऐसा जादू करें कि उसे मार डाले और ऐसी जगह मरे जहां उसे पानी पीना भी नसीब ना हो। मैं उसे यहां नहीं आने दूंगी बानो, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, नहीं देखना चाहती मैं उसकी शक्ल। Thank you.
मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन बात अब मेरी इज्जत पर आ चुकी है। मम्मा से जाकर जरूर पूछूंगा उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। लेकिन आप इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे? बोले ठीक है, नहीं करूंगा। मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। पप्पा समझाए ना अहमद को। अहमद प्लीज मुझे साथ ले जाए। अहमद बेटा अगर तुम मेरी माने तो मत जाओ वहां। अब मैं नहीं रोक सकता, और दिल टूटेगा। अब टूटने के लिए दिल में है क्या? अहमद, अहमद मेरी बात सुने। अहमद आराम से आओ, यहां जाओ, यहां बैठ जाओ, आराम से। थैंक यू। Very difficult for me to handle all this, Shahzad. शो मैं अब मजीद कुछ नहीं सुनना चाह रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो मुझसे कैसे बर्दाश्त हो रहा है, और वो भी इस कंडीशन में। तुम ठीक कह रही हो अनुषा, लेकिन just forget it. Just forget it? सब भूल जाओ? कैसे भूल जाओ शहजाद? एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इतना स्ट्रेस है मुझे, ऊपर से ये सब कुछ हो गया, ये सब मैं कैसे हैंडल करूं? अनुषा प्लीज, देखो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। ठीक है, आई ट्राई। थैंक्स अनुषा, मेरे पास अल्फाज नहीं है तुम्हें समझाने के लिए, लेकिन लेकिन तुम प्लीज मेरी खातिर स्ट्रेस मत लो। ठीक है, मैं कोशिश करूं। ठीक है, बाय। क्या कहे बने? वो कह रही है जब तक ये सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता वो नहीं आएगी। सही कह रही है। कैसे सही कह रही है? बगैर सबूत के वो ये बात किस तरह समझाएगी? बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। देखो तुम जानते हो ना कि हम गलत नहीं है, और सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। मैं सब्र नहीं कर सकता और ना ही उसे वहां छोड़ सकता हूँ। आप जानती है ना अनुषा कितनी मकार औरत है। अहमद, अनुषा जितनी मकार है ना उससे कहीं ज्यादा हिबा समझदार है। मैं इन बच्चियों को अच्छी तरह से जानती हूँ, ट्रस्ट मी। ना ही मैं बुजदिल हूँ ना ही गलत, और ना ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकता हूँ। मुझे अपनी सफाई देनी है। तो मैंने कब कहा है ये? मैं खुद भी नहीं चाहूंगी, बस कोई रास्ता नजर तो आने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा साथ दूंगी ना अहमद। पता है शुजात, कुछ लोग पैदा होते हैं मोहब्बत बांटने के लिए और कुछ मोहब्बत हासिल करने के लिए। मुझे लगता है कि शायद मेरे जिम्मे मोहब्बत बांटना है। लेकिन हम आप पर मोहब्बत लुटाना चाहते हैं, और इन मोहब्बतों के बदले आपको पता है हमें क्या चाहिए? क्या? आपके दुख। ये रिश्ते कैसे बरसों छूट जाते हैं, जो नक्श अधूरे छोड़े थे वो क्यों मिटाए जाते हैं? पहले तो अपने लगते हैं, फिर और किसी के हो जाते हैं। तुम सबका ताल्लुक है। जब से ये मनहूस लड़की इस घर में आई है मेरे शौहर को निगल गई, मेरा घर बर्बाद करके रख दिया इसने। इसे कोई यहां से चली जाए मेरे घर से, निकल जाए मेरे घर से ये।
मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। यस साहब, ये हिबा बीबी ने भेजा। हिबा ने? वो कब आई? जी वो रात में आई थी। और वो अहमद भी इसके साथ आया हुआ है? नहीं। ठीक है आप जाएं। बात करता हूं मैं उससे। वो तुमसे बात करेगी तो तुम करोगे ना? क्या मतलब? काफी गुस्से में नजर आ रही थी, लगता है बहुत चढ़ाकर भेजा उस अहमद ने उसे हमारे खिलाफ। चढ़ाकर भेजा तो मैं भी देख लेता हूं कब तक चढ़ी रहती है। भूल है तुम्हारी, ये इतना आसान नहीं है। देख लेता हूं। हेलो हिबा। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है हिबा तुमने? क्या तमाशा भाई? अच्छा तुम्हें उस शख्स ने बताया नहीं जिसके हाथों में तुम पपेट बनी हुई हो? मैं पपेट बनी हुई हूँ? ये आप ये कहें कि आपको किसी की अंधी मोहब्बत में कुछ नजर नहीं आ रहा, ये सब वक्त बताएगा भाई। जब वक्त बताएगा तो सब देख लेंगे। फिलहाल तुम्हें मेरे और अनुषा के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बगुसरा के लिए नहीं छोड़ूंगा। जब तक तुम उस शख्स से कांटेक्ट में हो ना, आई कांट ट्रस्ट यू। जितनी तकलीफ दे सकती है ना दे दे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। शहजाद मियां, इस तरह बात करते हैं बहन से? तो और किस तरह बात करता डैड में? और उस शख्स की अब सीना जोरी देखें कि इतनी घटिया हरकत करने के बावजूद भी उसने अपनी बीवी को यहां भेज दिया। शहजाद मियां, जो कुछ भी हो इस तरह से बिहेव नहीं करने देंगे हम आपको उसके साथ। तो डैड मैं क्या करूं, आप ही बताएं मुझे। मेरा तो दिल करता है कि मैं उस शख्स को जान से मार दूं, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, और ना ही आप पुलिस में रिपोर्ट करवाने देते हैं, और अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं हिबा को भी उस शख्स के हाथों में पपेट बना रहने दूं। अच्छा आप ये बताइए कि ऐसा करने से क्या हालात ठीक हो जाएंगे या मजीद बिगड़ जाएंगे? डैड अब मामला बिगड़े या संभले, अब उस शख्स को अपने घर में मैं किसी की भी जरिए इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दूंगा, और चाहे हिबा ही क्यों ना हो, एंड दैट्स फाइनल। तुम्हें जरूरत कैसे हुई इस घर में आने की? क्यों आए हो तुम यहां? दबाओ जाओ। हिबा को लेने आया हूं। किस मुंह से लेने आए हो तुम हिबा को? अरे तुम किसी रिश्ते का मतलब जानते हो? ना तुम्हें घर का मालूम है ना इज्जत का, चले जाओ यहां से। वो बीवी है मेरी। दबे। ना तुम इन मुकद्दस रिश्तों का मतलब समझते हो, ना घर का ना इज्जत का, दबाओ जाओ तुम यहां से। लेकिन जो हुआ उसमें, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं इस घर से, तुम खुद चले जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहां से। लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूं, इसलिए इस तरह नहीं जाऊंगा। तुम मुजरिम नहीं हो? ये इससे बड़ा जुर्म क्या होता है जो तुमने किया है? हाँ मेरी बात तो सुने। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना है। मेरी बात सुनो, चले जाओ यहां से तुम, इससे पहले कि मैं तुम्हारा वो अशर करूं कि डैड प्लीज, क्या हो गया आपको? ये आप हमसे पूछ रही हैं? आप इसे कहिए कि आपका इससे कोई रिश्ता नहीं है और चला जाए यहां से। रिश्ता है मेरा हिबा से, और बहुत मजबूत रिश्ता है। अहमद प्लीज खामोश हो जाओ। आप खामोश रहिए हिबा, इसे अपनी हकीकत दिखाने दीजिए, मैं खुद निपट लूंगा इसे। डैड प्लीज, जब तक आपके सामने पूरी हकीकत नहीं आ जाती, आप तब तक तो अहमद के साथ इस तरह बेहद मत करें। अरे और क्या हकीकत खुलेगी इसकी? आप क्या चाहती हैं? और क्या दांव पे लगाऊं इसके लिए मैं?
आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्या दाव पर लगा है और किसकी वजह से लगा है। हम अहमद, अहमद प्लीज अंदर चलो प्लीज। अच्छा बात तो समझाने दो उन्हें। अहमद मैं कह रही हूँ अंदर चलो चलो। या अल्लाह मैं किस चुंगल में फंस गया हूँ, किस अजाब में फंस गया हूँ। इतना गलत फैसला कैसे कर लिया मैंने, कैसे कर लिया इतना गलत फैसला। आपको मैंने मना भी किया था ना आने के लिए, फिर आप क्यों आए? शहजाद जिस तरह तुमसे बात कर रहा था क्या वो भी सिनके में वहीं बैठा रहता? आपको कैसे पता कि उसने मुझसे क्या बात की? हिबा तुमने मुझे कॉल की थी। मैंने? हाँ मैंने आपको कॉल की। हिबा देखो समझने की कोशिश करो, जंग इंसान खैरों से लड़ सकता है अपनों से कभी भी नहीं। और तुम यहाँ पर रहकर ठीक करने की कोशिश करोगी तो हिबा तुम खुद टूट जाओगी। तो टूट जाने दो, खत्म हो जाने दो, कम से कम इस अज़ियत से तो जान छूट जाएगी मेरी जो तुम्हारे लिए सब देखते हुए हो रही है। हिबा तुम्हें इस अज़ाब में झोंके में सुकून से नहीं रह सकता। अगर तुम्हें इतना ही ख्याल होता ना तो तुम डैड से इस तरह बात नहीं करते। इस तरह बात करना मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैंने गलत बात की? तुम्हारी नजरों में मैं कसूरवार हूं? अहमद तुम कसूरवार नहीं हो, लेकिन तुम ये भी तो समझो कि उनके सामने तुम्हारी जो पिक्चर पोर्ट्रेट की गई है वो उस एंगल से तुम्हें देख रहा है। वो जिस भी एंगल से देख रहे हो मगर तुम्हें ये नहीं समझना चाहिए कि मैंने उनसे मिसबिहेव किया है। तुमने मिसबिहेव नहीं किया अहमद, लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। ठीक है नहीं आऊंगा अंदर, तुम ही मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मगर तुमने कहा था तुम हर हालात में मेरा साथ दोगी। तो साथ ही तो दे रही हूं इसलिए नहीं जा रही। झूठ बोल रही हो तुम, जो मर्जी समझ लो। अगर मैं यहां से नहीं जाऊंगी तुम चले जाए मत। हे भाई ये तुम कह रही? हाँ मैं कह रही हूं चले जाए मत यहां से अभी और इसी वक्त। जो भी करना है खुद ही करना है। तुम ऑलरेडी भूल चुकी हो कि मैं कौन हूँ और अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा और उस शख्स से तलाक दिलवाकर याद दिलाऊंगा। मैं आपको तो छोड़ सकती हूँ भाई लेकिन उनसे तलाक कभी नहीं लूंगी। Oh,
ये लीजिए। ठीक है अनुषे वाले ना? जी जी। अच्छा सुनो, हसीना के घर से बस यही समेटा है मैंने, तुम इसे जाके बेचो। और रही बात अनुषे के जेवर की, इन्हें मैं ठिकाने लगाती हूँ, और बाकी सारा काम प्रोग्राम के मुताबिक ही होगा। ठीक है? वो तो ठीक है, वो मैडम साहब की बात हो गई? हाँ हाँ हो गई है, मैं भी उन्हीं का हिस्सा हूँ, तुम फिक्र मत करो, अब निकलो यहाँ से। ठीक है। बेटा क्या बात है, आप शोर क्यों मचा रहे हैं? हर रोज एक नया तमाशा होता है, पता नहीं कब सुकून मिलेगा मुझे इस घर में। आप शोर क्यों कर रही हैं बेटा? I can't find my jewelry. मैं सोई हुई थी और जब मैं जागी तो देखा अलमारी खुली हुई है और मेरा सारा जेवर गायब है। क्या घर में कोई आया था? वो अहमद आया था। उफ़ो, इस अहमद को मुझसे क्या दुश्मनी है, हर वक्त मुझे टारगेट करता रहता है। अपने घर की इज्जत और दौलत पर नजर नहीं रखता, मगर यहाँ तो अपने घर को लूटा जा रहा है। अनुषा तुम समझ? यस, कहा था ना तुम्हें, अलग अलग करके सबको तड़पाऊंगी और आह भी नहीं बनने दूंगी। हेलो शहजाद। डैड, इसीलिए रोक रहे हैं आप मुझे, इसीलिए? और क्या करवाना चाह रहे हैं आप? मैं करवाना चाह रहा हूँ। हाँ तो और मैं क्या समझूं, हर बात का निशाना मैं और अनुषा ही क्यों है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसने टारगेट किया है आपको? हाँ, आप सबने टारगेट किया डैड, सबने मिलकर टारगेट किया है। अरे अरे, पागल तो नहीं हो गए हैं आप शहजाद मियां? मैं पागल हुआ नहीं हूँ, मैं पहले से ही पागल था, इसलिए आप लोगों के हाथों सजा पर सजा भुगत रहा हूँ। इस तरह से बात करने का हमसे क्या मतलब है आपका? तो और कैसे डैड, क्या करूं मैं? कल उसने मेरी बीवी के साथ वो हरकत की, आज आपने उसे घर में घुसने दिया, और अभी चोरी का मामला, मैं कैसे बर्दाश्त करूं डैड? अच्छा, हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं ना बेटा, फिर हम इवा से बात कर लेंगे। मैं क्या इन्वेस्टिगेट करूं डैड, अनुषा में शक करूं, उसे झूठा समझूं? हम ऐसा कब कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है बेटा कि कोई घर में हो ऐसा आदमी। कम ऑन डैड, सारे सर्वेंट्स काबिले एतमाद हैं, आप चोर को चोर कहने पर क्यों डर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो फिर आप हकीकत से नजर क्यों चुरा रहे हैं? अरे नजर नहीं चुरा रहे हैं, किसी चीज से नजर नहीं चुरा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं अब इंतजार नहीं कर सकता, मैंने जो भी करना है अब खुद ही करना है। एबा? जी भाई। तमाशा समझ लिया तुम लोगों ने हमारी जिंदगी को? नहीं भाई, क्या हुआ? तो फिर क्या करना चाह रहा है वो आदमी जिसे तुम अपना शौहर कहती हो? उसे मैं अपना शौहर कहती नहीं, वो मेरा शौहर है। वो एक झूठा फ्रॉड और घटिया इंसान है। जबान संभाल के बात करें भाई, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि आप कौन है। तुम ऑलरेडी भूल चुकी हो कि मैं कौन हूँ, और अब मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, और उस शख्स से तलाक दिलवाकर याद दिलाऊंगा। मैं आपको तो छोड़ सकती हूँ भाई, लेकिन उनसे तलाक कभी नहीं लूंगी। तुम्हें तो खामोश हो जाएगी आप दोनों, चले जाएं यहां से। क्यों लगता है कि मैंने वहां से आकर गलती कर दी? ये लोग तो और बुरी तरह से ट्रैप कर लेंगे शुजात को, मुझे मुझे ही कुछ करना चाहिए।
ये बार अहमद का घर ना टूट जाए। नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अगर खुद को हार कर भी मुझे इन रिश्तों को बचाना पड़ा तो उसमें भी मेरी ही जीत है ना। चाहा था जिसे अपना, जाने क्यों मुझे छोड़ गया। चाहा था जिसे अपना, जाने नाराज की शुजात, जिंदगी आजमा रही है हमें। खुद को भूल कर रिश्तों को जोड़ना पड़ेगा हमें, लेकिन अल्लाह कैसे ठीक होगा सब? क्या वाकई मेरे और शुजात के दरमियान फासले कभी नहीं सिमटेंगे? क्या हम मुजरिम ना होते भी मुजरिम ही ठहरेंगे अपनी औलाद की नजर में? अनुशेप, अनुशेप उठ जाओ। बहुत देर से सो रही हो, उठ जाओ। वो मैंने नींद की गोली खा ली थी ना, शायद इसीलिए इतनी देर सोती रह गई। हाँ, लेकिन इतनी देर भूखे रहना ठीक नहीं है ना। ये फ्रूट सैलेड खा लो तुम। अच्छा वो खा लूंगी। मुझे ये बताओ, तुमने हिब्बा से बात की? हाँ। तो क्या कहा उसने? कहना क्या है, भूत सवार है उसके सर पे अहमद का। फिर भी बताओ ना, क्या बात हुई तुम्हारी? यही कहती है कि हम सबको छोड़ देगी लेकिन अहमद को नहीं छोड़ेगी। यही मैंने तुम्हें कहा था ना, वो उसको नहीं छोड़ेगी और उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करने को वो तैयार है। कब तक तैयार नहीं होगी, मैं भी देखता हूँ। कभी नहीं होगी। हिप्नोटाइज करके रखे उस फूफी और भतीजे ने उसे, अपनी जान दे दी कि उन लोगों के लिए। लेकिन अनुषे प्लीज, अब कोई और बात करो, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। फैक्ट्स को सुनना सीखो और उन्हें कबूल करना भी। अनुषे कबूल कर चुका हूं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हर वक्त इसी बारे में सोचता रहूं। और स्पेशली तुम्हारे लिए तो ज्यादा सोचना ठीक नहीं है। तुम अपना ख्याल रखो, चलो ये खाओ तुम और सब कुछ भूल जाओ। ठीक है। या अल्लाह रब्बे करीम, रास्ता दिखाइए। हमारी जिंदगी, हमारा दिल, हमारे बच्चे, सब कुछ बिखरता जा रहा है, बिखरते जा रहे हैं। हम मानते हैं कि अपनी बेटी को अलग रखना चाहिए था। बेटी अपने ही घर में अच्छी रहती, गलती हो गई, मैं मानता हूं या रब। काश काश इस बात पे मैंने एक बार गौर किया होता। अब तो आया आपसे, हिबा को उसके घर में खुशियां मिल जाए रब्बे करीम। काश काश शहजाद वापस ना आया होता। मेरी आंखें अपने बच्चों को लड़ता हुआ नहीं देख पाती। काश काश मैंने इस दिल में फिर किसी को ना बसाया होता। अब मेरे दिल में टूट जाने की हिम्मत नहीं है। गफूरुर रहीम, रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए यार।
मुझे रास्ता दिखाई। आपकी गिरफ्तारी के वारंट है मैडम, आप पर हसीना बेगम की तिजोरी से माल गायब करने का इल्जाम है। ये आप क्या कह रहे हैं? चोरी? क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो पिंदियाई शरीफ खातून है, चोरी की बात करे कैसे चोरी करेगी वो? चलें, आपसे कोई मिलने आया है। शहजाद ने हाथ मत लगा मुझे। कितना घिनौना और सफाक चेहरा है तुम्हारा, अभी कुछ रह गया कहने के लिए? ओ, थाने से आ रहे हो, उस कमबख्त फराना का पैगाम लेकर आए होंगे, और इस सड़ने दो से लॉकअप में उसने मेरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। काश मेरी बेगुनाही का कोई तो सबूत होता। एक सबूत है अहमद। कैसा सबूत? ये वीडियो।